Hello guys, welcome back to my channel and welcome to another exciting vlog. So today's vlog is going to be raksha Bandil special. So stay tuned and watch full vlog. Do subscribe my channel guys. Thank you. सो गाइज वेलकम टू माई किचन माई मम्स किचन कुछ भी बोल दो वेलकम टू आवर किचन एंड या डायरेक्ट खाने से स्टार्ट कर रहे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था ब्लॉग स्टार्ट करते करते और मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था खाना बनाना मैंने बहुत लेट हेल्प किया है मम्मी को रेयरली हेल्प करती हूँ यस uh, बट yes, बहुत लेट कर दिया था तो खाना ऑलरेडी बन चुका था सिर्फ मटर पनीर बाकी थी इसलिए मम्मी मैं पनीर फ्राई कर रही थी मैं उसका मसाला रेडी कर रही थी उस फिर उसके बाद में कुछ रोटी एंड और बाकी था वो बना लिया हम लोग ने एंड बहुत यम खाना बना था उस दिन देख सकते हो आप आगे के क्लिप में कि पूरी बनी थी जीरा राइस बना था मटर पनीर बना था कड़ी बनी थी खीर बना था एंड एंड बैंगन फ्राई एंड और और पापड़ अचार अभी मैं मुंह में पानी आ रहा है इतना अच्छा खाना बना था फिर उसके बाद में मेरी बुआ आई थी मतलब बुआ तो सबसे पहले ही आई थी तो उन्होंने रक्षाबंधन स्टार्ट किया ये मेरी सेकंड नंबर की बुआ है उनका नाम है गीता बट हम उनको मुन्नी बुलाते हैं मुन्नी बुआ तो या तो वो कर रही है। बड़ी है इसलिए सबसे पहले वो कर रही है रक्षाबंधन एंड उनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है इसलिए वो स्टूल पर बैठ के राखी बांध रही है नीचे नहीं बैठ सकती तो उनको पैर में दर्द हो जाता है इसलिए वो स्टूल पे बैठ कर राखी बांध रही है सो या बिट ऑबियसली ये जो फ्रेम में ये मेरे पापा है और रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है और ये मेरी थर्ड नंबर की बुआ है तो फर्स्ट नंबर वाली बुआ है बट वो कभी रक्षाबंधन को आती नहीं है वो गणपति में आएगी तो गणपति के व्लॉग्स भी देखना ओके तो या yeah, यहाँ पे सब फोटो सेशन चालू हो गया है और अभी मैं आपको म्यूजिक लगाती हूँ और अब देखो मैंने तो इनका इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया इनका नाम है राजेश्री राजेशी चौधरी और इनको हम प्यार से बुलाते हैं बालाबुआ तो यस गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड गोइंग फॉर फॉर यस तो आरती की थाली सच चुकी है ओहो, ओहो। कितना मेहनत लग रही है बात करने में भी तो यस बहुत प्यारी सी आरती की थाली है और गाइज यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है सिर्फ हम दोनों सिस्टर्स हैं देख रहे हो फ्रेम में ये मेरी सगी बहन है बट मुझे कोई भाई नहीं है तो आई हैव सो मेनी ऑफ कजिन्स एंड ऐसे बहुत सारे जिनको मैंने भाई माना हुआ है तो मैं उनको ही राखी बांधती हूँ हर साल तो या ये मेरी बिल्डिंग में ही रहता है युग तो इसको मैंने सबसे पहले राखी बांधी थी मतलब मैंने नहीं मेरी बहन ने फिर उसके बाद मैंने हम लोग ने राखी बांधी थी ये है मेरा कज़िन मेरे छोटे अंकल मतलब मेरे काका मेरे सगे काका उनका बेटा तो उनको मैं उसको मैं राखी उनको नहीं उसको मैं राखी बांधती हूँ तो ये है पार्थ एंड मैं इसको गोलू बुलाती हूँ मतलब इसको पिटने में गोलू है तो या मैं इसको राखी बांध रही हूँ अभी एंड और भी है मेरे कज़िन सिबलिंग ने सॉरी कजिन्स उनको मैंने राखी ऑलरेडी उनके मतलब बुआ के हाथ में मैंने भेज दिया था एंड एक भाई है दो भाई है एक गुजरात में रहता है और एक दुबई में रहता है बट बिकॉज ऑफ इतना डिस्टेंस में वहाँ पे जा नहीं सकती तो उनको वर्चुअली विश कर देती हूँ मैं तो ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा और वो जो है ना दुबई में रहता है और एक गुजरात में वो मेरे मौसी की तरफ से मतलब मैटरनल फैमिली की तरफ से मेरा रिश्ता है उनसे तो या और ये है ये ये जो तीनों दिख रहे हैं ना आपको ये पिंक फ्रॉक में ये है ध्रुवी और ये जो राखी बांध रही है ये है अनुष्का ये तीनों भी सिबलिंग्स हैं तो या बहुत बहुत बड़ा फैमिली फा, फा, है हमारा कभी दिखाऊंगी मैं आपको मतलब गणपति में तो बिट ऑबिज़ दिखेगा ये ये मेरे अंकल है मेरे पापा के छोटे भाई तो या आ, हम लोग ने ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर किए हैं और राखी बांध रही है तो बिहाफ़ ऑफ उनकी बहन वो अनुष्का राखी बांध रही है उन अंकल को एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा दूर यहाँ से जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ से आधा घंटा एक घंटा दूर है मेरा और और दो भाई मेरे रहते हैं तो हम लोग निकल पड़े थे वहाँ पे जाने के लिए पापा मैं और मेरी बहन और मम्मी सब लोग निकल गए थे तो पहुँच गए हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे तो मम्मी यहाँ पे सबसे पहले राखी बांध रही है आ, इन इनको मम्मी मानती है भाई और हमेशा उनके फ़ोटो फ्रेम पे ही आ, राखी बांधती है और यह मेरे दो भाई है जिनको अभी मैं राखी बांधूँगी बट अनफॉर्चुनेटली एक तो अपने वाइफ के साथ वाइफ के साथ वाइफ के साथ चला गया था मतलब भाभी के घर पर इसलिए मैं उसे मिल नहीं पाई तो सबसे बड़े वाले भाई को ही राखी बांध रही हूँ मैं तो ये है मतलब मतलब तो मैं बहुत 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 बचपन से राखी बांधती हूँ मतलब बहुत बहुत मेरे बच मेरा पूरा बचपन ही यहाँ पे गया है लिटरली सैटरडे संडे छुट्टी पड़ता था तो मैं वहाँ पर भाग के चली जाती थी तो बहुत बहुत क्लोज़ रिलेशन है मेरा इन इन लोगों से तो या अच्छा लगता है बहुत पुरानी पुरानी यादें आ जाती है जब आप वापस से वही गांव में जाते हो जहाँ पे बचपन में आप खेल रहे हो एंड ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा लग रहा था तो यस दूसरे भाई से तो मिल नहीं पाई शायद भैया पे या फिर गणपति में तो देख ही लोग यार मैं तो अभी ब्लॉक करना स्टार्ट ही कर दिया है मैंने तो यस आप देख सकते हो देखोगे कि कौन है कौन नहीं तो इस तरह से हम लोग ने सेलिब्रेट किया एंड एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी मुझे ऐसा लगा नहीं हाँ बचपन में बहुत लगता था कि मेरा भाई नहीं है मैं किसको राखी बांधूंगी एंड ऑल एंड ऑल बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं बहुत काफ़ी हूँ मेरे लिए और मेरी बहन काफ़ी है मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे एंड अच्छी बातें अच्छी सोच ऐसा लगता है मुझे खुद से ही आप भी यही सोचो अगर आपको भाई नहीं है अगर आपको बहन नहीं है तो हम घर पे आ गए थे सब सेलिब्रेट करने के बाद में और मैं बहुत थकी थी बहुत थकी थी बट मेकअप निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे तुरंत ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तुरंत हो जाते हैं तो इसलिए मैंने मेकअप रिमूव uh, किया एंड मैं सो गया अच्छे से ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाई गाइस तो यही था मेरा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंटायर व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे